शांति मंच पर उपस्थित हमारे माननीय आदरणीय अत्यंत स्नेही वक्तागण सभा में उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी इस विंग के और इस कार्यक्रम में विशेष जो अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं ऐसे हमारे प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी वैसे तो सवेरे से लगातार सुनते ही रहते हो कितना धन्यवाद दूं आखिर सुनने की भी कोई लिमिट होती है परंतु मैं अभी भी देख रही हूँ कि आप सभी बड़े प्रेम से शांति से धीर्यत होकर के बड़ी एकाग्रता के साथ हमारे एक एक वक्ताओं के सुंदर विचार सुन रहे थे लास्ट में अभी जो हमारे वक्ता ने कहा परमात्मा यहाँ ही है यहाँ ही है यहाँ है आप सभी को आभास होता है कोई बोल नहीं रहा है शायद नहीं हो रहा है हो रहा है और नहीं हुआ है तो हो जाएगा हम्म ये भी आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, विश्वास के साथ कि आज दिन तक अगर अनुभव नहीं हुआ है तो ये भी आप अनुभव करके जाना आप सभी को ये ईश्वरीय निमंत्रण मिला है तो ईश्वर हाजिर कैसे नहीं रहेगा निमंत्रण देने वाला तो जरूर चाहिए दूसरी हमारी परम आदरणीय दादी जी जिन्होंने विशेष आपको याद करके बुलाया है तो भगवान भी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्यारे कौन हैं? बोलो कौन है अरे आप सभी हो बोलो हम हैं क्योंकि परमात्मा को गांव वाले बच्चे बहुत प्रिय है भले हम शहर में रहते हैं परंतु हमें ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है इस संस्था के फाउंडर फादर भी अपने आप को हमेशा कहते थे कि मैं गांव का छोरा था और श्री कृष्ण के लिए भी गायन है गाँव को गोकुल बनाने की बात हो रही है शहरों को गोकुल बनाने की बातें कोई नहीं कर रहा है देखो बनाना किसको चाहिए क्योंकि आज भी हम देखते हैं अब बहुत भाग्यशाली हो शहर में रहने वाले गांव में आ रहे हैं वहीं ज़मीनें ले रहे हैं वहीं दूर दूर फार्म हाउस बना रहे हैं और दूर रहना एकांत में रहना वह भी पसंद करते हैं धन्य है गांव वालों का जीवन पिताश्री हमेशा कहते थे दो रोटी खाना प्रभु का गुण गाना और क्या करना है आप दो रोटी तो खाते हो प्रभु के गुण भी गाते होंगे कोई नहीं भी गाते होंगे इसलिए शायद ये कहावत है और यही लिंक जिसको आप सभी ने मिस किया है इसलिए स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है कि उसके गुण गाना ना भूलो कितना सादा जीवन और कितना ऊंच विचार और अपनी मेहनत की कमाई से खाते हो शहर में लोग कितनी भी मेहनत करते हैं डिग्रीधारी बन जाते हैं परंतु आज हम देखते हैं बेचारे नौकरी के लिए भटक रहे हैं और गांव वाले जात मेहनत जिंदाबाद देखो हम देख रहे हैं उनकी शक्ति का एहसास हो रहा है अनुभव हो रहा है मेहनत का फल खा रहे हैं किसी के ऊपर बोझ नहीं है केवल स्वयं नहीं खाते हैं, औरों को भी खिलाने की चिंता रहती है वैसे परमात्मा को अन्नदाता कहा जाता है ऐसा मानते हैं परंतु किसान भी अपने को अन्नदाता कहलाता है तो आज वो भी सीजन आती है तो पहले पहले उनकी नज़र भी आकाश की ओर जाती है कब वर्षा ऋतु आवे कब खेती हो बीज तो डालते हैं परंतु जल्दी से अच्छा फल मिले ताकि सभी को ये भी अन्न मिल सके ये बहुत बड़े से बड़ा एक दान है ये पहुँचाना केवल भारत खंड में नहीं परंतु विदेशों में भी जहाँ जहाँ हम बेच सकते हैं जो जो चीजें बेच सकते हैं हम बेचते हैं। तो आप कितने ना लकी हो सौभाग्यशाली हो कि पदमा पदम भाग्यशाली हो अपने आप को खुश नसीब समझो हमारा नसीब बहुत अच्छा है अपनी मेहनत को देख कर के कभी भी निराशा में नहीं आना है जीवन में हताशा न आवे किया हुआ कोई भी कर्म का फल आज नहीं तो कल उसकी रिजल्ट अवश्य मिलनी है प्रत्यक्ष फल उसका अवश्य प्राप्त करना है आज शहर वाले बले डन के गदेले पर सोते हैं पूछो नींद आती है और आप लोग खटिया पर सोते हो झाड़ के नीचे छाव में खटिया डाल करके बड़े आराम से नींद करते हो बड़े प्यार से भोजन देखो खाते हो आज शहर में रहने वाले भी वो लाइफ को याद करते हैं आज नींद की गोलियां लेकर के भी नींद नहीं आती है और आप कितने में शांति की चैन की निंद्रा में सो रहे हो पूछो अपने आप से हमारे से ज्यादा कोई हो सकता है भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है इसलिए ये देख रहे हैं हरेक को अपना वतन प्यारा है किसको अपना वतन प्यारा नहीं है बहुत समय शहर में रहने के पश्चात हरेक को अपना गांव याद आता है गांव में जावे तो आप तो बड़े क्या कहे गांव में रह करके और गोकुल बनाने की बातें सोच रहे हो परंतु अभी तो करके दिखाना और हम देखेंगे कि इतने लोग आए हैं उसमें से नंबर वन कौन लेता है जो स्वच्छता भी हो जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभुता है प्रभु का आह्वान करना है तो तन और मन को स्वच्छ करना होगा शहर में स्वच्छता रखनी होगी अपने गांव में जो कहाँ कुछ भी ऐसा किचड़ा न दिखाई दे ऐसी कमाल कौन करेगा? कौन पान का बीड़ा उठा रहा है इतनी सभा में से कि हम ऐसे करेंगे हम करके दिखाएंगे आप सभी को भी दिल अंदर आना चाहिए कि जिस धरनी पर हम इतने सालों से रहते हैं उस धरनी को हम पावन बना करके रखेंगे है ना? तो इसलिए गांव वालों को भी देखते हैं शहर वालों को भी देखते हैं दोनों का कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो अनुभव करते हैं सबसे ज्यादा सुखी कौन है तो आप सभी बहुत सुखी हो परंतु संतुलन कैसे नहीं रहा जब कोई अवगुण आ गया व्यसनों के वशीभूत हो गए तनाव के वशीभूत हो गए तो फिर वो संतुलन नहीं रहता है एक और कमाना और दूसरी और शराब पी के दारू पी के सब कुछ गवा देना और दूसरे दिन फिर वही टेंशन में आना यही लाइफ है ना आजकल देखते हैं इसका कारण क्या है कोई तो बात होगी तो यहाँ पर क्या लिया जाता है हर एक से हम क्या मांगते हैं हम बहने भाइयों से बड़ी बड़ी गिफ्ट नहीं मांगते हैं साड़ी पैसे सब नहीं मांगते हैं हम ये गिफ्ट मांगते हैं जिससे आपका जीवन भी उज्जवल हो जाए उन्नत तो हो जाए चारित्रवान बन जाओ बीड़ी सिगरेट तमाकू, छीकड़ी गाँव में देखते हैं शराब उसके बिना नहीं चल सकता है पैसा नहीं होगा तो भी पिएंगे कहाँ से उधार लेके भी पिएंगे कैसी हालत में पड़े रहते हैं क्या कोई ये लाइफ है तो कहाँ रहा संतुलन अगर व्यवस्था अच्छी रखना चाहते हैं तो अवस्था अच्छी बनाओ हमेशा एक रस अवस्था में रह कर के जीना सीखो कभी भी निरस नहीं निराशा नहीं जीवन में नीचाई ऊंचाई कई बातें आएंगी कभी गम होगा, तो कभी खुशी होंगी परंतु बैलेंस में रहना है यही तो आध्यात्मिकता सिखलाती है ऐसा जीवन हम सभी का ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो सैंपल देख रहे हो सैंपल को देख कर के अगर कोई बनना मैं कैसे बनेंगे ये सोचे कुछ खरीदारी करने जाते हो तो भी सैंपल को देख करके लेते हो ना आपके आगे हजारों आत्माएं हैं जो गर्ग्रस्त में रहते हुए परिवार में रहते हुए देखो कैसे अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हैं कीचड़ कादव में रहते हुए कमल पुष्प समान रहते मुझे आप सभी को सुनाते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में तो हमारे आश्रम है परंतु जितने गांव में है ना उनसे कई गुना अधिक गांव में है गांव के लोग इतने भोले भाले भावना वाले भोलानाथ के बच्चे भोलानाथ को बहुत प्यारे है गरीबों का बेली कहा गया है ना मुझे कौन बच्चे प्यारे हैं तो देखो आज यहाँ कितनी ब्रह्मा कुमारियों की गीता पाठशालाएं खुली हुई है बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, है आप सभी को यहां जाकर के अपने वतन में जरूर यह कार्य आरंभ करना है इसकी शुभ शुरुआत करनी है कौन करेगा हम्म कहते हैं बिल्ली को घंट कौन बांधेगा ये हमें करना होगा भगवान ने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है इस धरनी पर क्यों बुलाया है यहाँ सभी नहीं आते हैं ये भी भाग्य चाहिए ये भी तकदीर चाहिए तकदीर वाणी आते हैं संकल्प तो कहीं करते हैं फार्म भी कहीं भरते हैं आना भी कहीं चाहते हैं परंतु ये भी भगवान का प्यार पाना कम बात है हम सभी को किसका प्यार मिला है सारी दुनिया बुला दी है आज संसार में कुछ याद नहीं आता है सब कुछ देखते हुए नहीं देख रहे सभी के संग रहते हुए हमारा संग किसके साथ है हमारी अंदर की तपस्या है अंदर की लगन है जो आज ऐसा सुंदर जीवन बना दिया है आप सभी को पसंद है यहाँ एक एक बहनों के जीवन को देख रहे हो पसंद है आ? आवाज नहीं निकल रहा है तो फिर ऐसी जीवन बनाएंगे ना बनाएंगे बन करके आएंगे फिर दोबारा और अनेकों को लेके आएंगे और आपके गांव में हमको बुलाना जरूर भूलना नहीं हम आएंगे सब बहनें जो आज मंच पर बैठी है ना हम सब बहनें आपके गांव में निमंत्रण मिलते ही कहती है न हरेक को नारद मुनि के तरह घर घर में संदेश देना है चलो भाई स्वर्ग में उनका काम किया था मृत्यु लोग से अमर लोग अमर लोग से मृत्यु लोग आ? चक्कर लगाता रहता था संदेश देता रहता था संदेशवाहक पर हनुमान तो उनसे भी ज्यादा पवन के तरह उड़ कर के अभी आप हनुमान जैसे बनेंगे या नारद जैसे वो सोचना होगा कि पवन के तरह से उड़ कर के कोई गांव वंचित न रह जाए किसी को इन्विटेशन न मिले ऐसा न हो भगवान कहता है ये हरेक को सुनाओ परंतु कोई हमको पूछते हैं बहन जी वहाँ ये खाना पीना मिलेगा अब यहाँ भोजन देखो कैसा सात्विक मिलता है बहने भाई अपने हाथों से भोजन बनाते हैं पवित्र अन्न तो पवित्र मन यहाँ पवित्रता है स्वच्छता है तो आज लगता है कि यहाँ प्रभु का वास है हम बहने क्या मैनेजमेंट करती है ये संचालन करने वाला ऊपर वाला कर रहा है उसकी ये शक्ति से ये सारा कार्य चल रहा है हम तो अनुभव करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं करण करावन हार स्वामी वो वो एक ही परमात्मा है वो कार्य करा रहा है और हम तो इंस्ट्रूमेंट है हम तो कहते हैं यूज मी किचरे का बॉक्स भी कहते हैं ना यूज़ मी तो हम तो कहे हम तो मनुष्य है भगवान मेरा यूज करे मेरे से अच्छे कार्य हो ये अच्छे कर्मों करने की सीजन चल रही है आ, बीज डालने की सीजन चल रही है अभी ही खेती करने की ये सीजन है कर लो जैसी करनी वैसी भरनी जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करना होगा फिर पछताना होगा जब समय हाथ से निकल जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे हे मेरे भाइयों बहनों सोच के लो ज़्यादा सोचना भी क्या है यहाँ सोचना नहीं यहाँ तो बोलना भी नहीं करने की बात है एक्शन में लाने की बात है एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं पर एक्शन में लाना ही है करके भगवान शक्ति देता है आप अवश्य कर सकेंगे हिम्मत नहीं हारो कहा ना आप एक कदम आगे बढ़ेंगे भगवान हजार कदम हा? आपको आगे बढ़ाएगा आपको मदद देगा आपका साथी बन कर के रहेगा हमारा जीवन साथी कौन है वही है तो आज ये आध्यात्मिकता ये क्या है हमारे जीवन का आभूषण है ये मूल्य हमारे क्या है ये हमारे गहने हैं कई हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं अरे हमने सब कुछ पहना हुआ है हमारे को ये तिलक अविनाशी लगा हुआ है भगवान ने लगा दिया है ये कभी मिटने वाला नहीं है देखो अविनाशी तिलक लगा हुआ है तो ऐसा सुंदर जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हम कहते हैं हसी में ये ब्यूटी पार्लर सेंटर है यहाँ सबको ब्यूटीफुल बनाते हैं है ना आप भी अपने जीवन को धन्य बना लो ये धन्य घड़ी आ गई है और इस स्थान पर पांव रख कर के अगर नहीं पाया अगर जीवन नहीं बनाया तो फिर ओहो प्रभु तेरी लीला कहना पड़ेगा उसकी लीला देखते हुए भी अपने जीवन में ऐसे कर्म नहीं किए हैं श्रेष्ठ कर्म नहीं किए बीज नहीं बोया तो भगवान कहते मैं फल कहाँ से दूंगा तो इसलिए अधिक समय न लेते हुए आप सभी ने काफ़ी देर तक बैठे हुए हो मैं यही आशा करती हूँ विश्वास रखती हूँ कि आप हमारे भाई और बहने इतना अपने में शक्ति भर के जाओ कि वहाँ जाकर के आ, वो खेत के साथ साथ ये भी खेती ये भी कर्मों का आ, ये भी बीज डालना है श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ आएंगे तीनों मित्रों की बात सुनी होंगी न सुनी हो तो शॉर्ट में सुना देती हूँ सबसे पहला हमारा मित्र कौन सा जो कभी कभी हमको साथ देता है समय पर दुख आने पर मुसीबत आने पर कोर्ट के दरवाजे तक चलेगा दूसरा हमारा मित्र ये हमारे देह और देह के संबंधी जो शमशान घाट तक पहुँचा देंगे परंतु हमारा सच्चा मित्र जो साक्षी देगा भगवान के आगे भी तो वो कौन है हमारे कर्म क्या करके आया इस संसार में आपको भेजा आप क्या करके आया खाली हाथ आया कि कुछ करके आया भरपूर होके जाना है भरतू होके जाना है जितना खजाना आपको मिले ना एक भी चांस आप गवाना नहीं कोई क्लास मिस नहीं करना कोई सेशन मिस नहीं करना लाभ उठाते जाना और बहुत फ़ायदा ही फायदा है कल्याण ही कल्याण है मैं आशा करूं आपका जीवन भी कल्याणमय हो सुखमय हो शांतिमय हो ऐसा जो हम बहनों के जीवन में है तो आप सभी हमारे भाई क्यों वंचित रह जाओ तो ये भी एक स्नेह है इस स्नेह ने आपको यहाँ बुलाया है और आप आए हो इसकी हमें बहुत खुशी है हम अपने तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद भी कहो अभिनंदन दे रहे हैं ओम शांति है सुख कर, ये